फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई एम नताशा एंड वेलकम। सो गाइज, मैं शूट करके आ गई हूँ और आज 4 सितंबर है। सबसे पहले तो मैं हैप्पी बर्थडे बोलना चाहूँगी गुंजन भैया को। आज गुंजन भैया का बर्थडे है और 4 सितंबर मुझे हमेशा याद रहता है कि गुंजन भैया का बर्थडे है। मैं उनको हमेशा विश करती थी और आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी उनको ना हर बंदा याद करता है। पता है, हर जुबान में नाम होता है कि यार गुंजन होता ना तो आज इंडस्ट्री यहाँ होती, आज गाने यहाँ होते, आज म्यूज़िक यहाँ होता। तो हर कोई आपको बहुत ज़्यादा याद करता है गुंजन भैया। आप जहाँ भी हो, आप खुश रहो और पीस में रहो, शांति में रहो, बस यही उम्मीद है। तो गाइज़, आज मैं फ्री थी और प्रशांत सर का कॉल आया मुझे अभी, तो उन्होंने बोला कि आज मैं भी फ्री हूँ, चल मूवी देखने चलते हैं। तो आज मैं जा रही हूँ प्रशांत सर के साथ मूवी डेट पर। और प्रशांत सर और मैं बहुत मूवीज़ देखते हैं, हम दोनों को पसंद है मूवीज़ देखना, तो हम लोग ना साथ में मूवीज़ देखते हैं और फिर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं सबका। तो यही हमारी फेवरेट थिंग है। तो अभी मैं उठी थी, मैं अभी रियाज़ कर रही थी, तो प्रशांत सर का कॉल आया, वो मुझे 1 बजे लेने आ जाएंगे और अभी 12:30 बजने वाली हैं। तो उससे पहले मुझे नाश्ता भी करना है, रेडी भी होना है। तो सबसे पहले मैं अपने लिए नाश्ता प्रिपेयर कर लेती हूँ। अब जल्दीबाजी में क्या ही बनाऊँगी, देखती हूँ क्या है, तो खाएंगे और फिर जाएंगे। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज गुंजन भाई के बर्थडे में ना उनके चैनल से न्यू सॉन्ग आया उनका सियोंद, तो मैं वो देख रही थी और बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छा गाना है। और गुंजन भैया का ना उसमें ऐसा कुछ डाला था, मतलब गुंजन भाई का फोटो था और उसमें लिपसिंग हो रही थी, जैसे आजकल इंस्टाग्राम में फेक नहीं है कि लिप्स बोलते हुए दिखाते हैं, तो उसमें भी ऐसे दिखाया हुआ है। मुझे इतना अजीब लगा ना, बहुत रोना आया कि गुंजन में अगर अभी होते रियल में तो वो लिप सिंक कर रहे होते। मैं किसको बोल रही हूँ, गुंजन भैया थोड़ी मेरा व्लॉग देखेंगे। तो मैंने खाना खा लिया है और अब मैं रेडी हो रही हूँ मूवी देखने के लिए। तो मैं पहनने जा रही हूँ अपने हाथों पे लगाई है नेल पेंट्स, ये मैंने पैरों पे पहनी है फ्लैट्स क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ कचर कचर पहनने का मन नहीं कर रहा था। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, प्रशांत सर का वेट करते हैं, वो आएंगे फिर हम लोग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये ना एग्रीमेंट है, मैंने सॉन्ग किया था टी सीरीज़ का, तो उनके साथ का एग्रीमेंट है, तो इसको भी साथ में ले जाऊँगी। मुझे ये एक इंसान को पकड़ाना है, दैट्स वाई। प्रशांत सर जा चुके हैं, मैं जा रही हूँ, ये मैं पेपर ना साथ लेके जा रही हूँ क्योंकि मुझे पकड़ाने तो है लेकिन मुझे डाउट है, मैं इसमें साइन नहीं करूँगी अभी जब तक मेरे डाउट क्लियर नहीं हुए। तेज हूँ मैं, तेज ऐसे देव को नहीं बनूंगी। इतनी गर्मी हो गई, मुझे बुला दिया नीचे और खुद रास्ता भटक ही रहा, पता नहीं कहाँ।
सो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं पैसिफिक। अब हम लोग यहाँ पे पहले कार पार्क कराएंगे, फिर हम लोग ऊपर जाएंगे। हम लोग आधा घंटे पहले पहुंच गए हैं, 2 बजे से हमारी मूवी है, तो देखते हैं प्रशांत सर कुछ खिलाते हैं। नहीं आया गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं और हमने सोचा है कि हम लोग जल्दी आ गए हैं तो हम लोग मैं डर गई थी, मुझे लगा ये मेरे फोन को कर रहा है। कहाँ जा रहे हैं? तो हम लोग ना घूमते घूमते पैदल पैदल जाएंगे, सीधा ऊपर नहीं जाएंगे, सीदा ऊपर। इसको ऊपर भेज दूंगा, अकेला आ जाऊंगा फिर वापस। ऐसे ही होता है भाई, क्योंकि टिकट तो मैंने कर दी, अब टिकट तो इनका फोटो में भेज दी तो ये तो देख लेंगे आराम से, इनको मेरी जरूरत नहीं है। Yes. तो गाइज जैसे ही हम लोग पैसिफिक मॉल पहुंचे ना, तो मेरी नज़र गई एक शॉप पर जिसमें लिखा था मिनी शो। तो मुझे याद आया कि यार यूट्यूब पे बहुत सारी इन्फ्लुएंसर्स ना ऐसे मिनी शो वाले शोरूम में जाती हैं, तो मैं भी चली गई देखने के लिए कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी। मैंने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी, लाइक घर की चीज़ें, टूथब्रशेस थे वहाँ पर, टेडी बियर्स मोस्टली थे, और परफ्यूम्स थे जिनका मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है, मुझे परफ्यूम से बहुत ज़्यादा एलर्जी है और मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती तो मुझे ज़रूरत नहीं थी। और डब्बे थे, काफ़ी बैग्स थे, मेकअप का सामान था, रबर बैंड्स थे, काफ़ी क्यूट क्यूट स्टफ़ थे, लेकिन मुझे मोस्टली जो पसंद आया वो एक हेयर ब्रश पसंद आया। कई प्रशांत सर को लग रही है भूख, तो प्रशांत सर कुछ खाएंगे और कह रहे हैं मेरे को तो छोड़ो तेरा खाना ज़रूरी है वरना मैं पॉपकॉर्न मंगा दूँगी ना, और बहुत कॉस्टली होते हैं। क्या खा रहे हो? KFC? हाँ, चिकन बर्गर। प्रशांत सर कह रहे हैं, मैं कह रहे हैं तुम बर्गर के प्राइस तो देख ले, मैंने कहा तो यहाँ इतना ही होता है, कह रहे हैं इतना भी नहीं होता यार ये। सो गाइस आ चुके हैं हमारा बर्गर। अरे वो कितने महंगे बर्गर थे, 500 रुपये में तो मैं 5 किलो चाउमीन खा रहा हूँ। गाइस हम पहुंच चुके हैं, हमारा है ऑडी 1। मैं भी जाऊंगी। सो गाइस हम लोगों ने देखी है मूवी, अब हम लोग जा रहे हैं। मैंने मिनी शो से कुछ लिया था हेयर ब्रश, वो लेने जा रहे हैं। कहाँ है? सो गाइस मैंने ले लिया ये क्यूट सा हेयर ब्रश, कितना क्यूट है ना, इनके बालों में तो कंघी लगाती नहीं है। तो ये है मेरा क्यूट सा मिनी शो से लिया हेयर ब्रश। हमने मूवी देख ली, कैसी लगी प्रशांत सर मूवी? बहुत अच्छी मूवी, अच्छी थी, वन टाइम वॉच थी मतलब। हाँ ठीक थी, मतलब मुझे ना आजकल हर मूवी अच्छी लग रही है लेकिन मुझे उसका ना क्लाइमेक्स पसंद नहीं आया। गाइस मेरा ना आज दिल खुश हो गया क्योंकि मैंने आज एक गाना सुना मूवी में, और वो सुनिधि चौहान ने गाया था। सुनिधि चौहान मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी वॉइस। अब ये सुना मुझे वो गाना नहीं सुना रहे, वरना मैं आपको गाना सुनाती हूँ। अभी प्रशांत सर को बता रही थी कि जनवरी में मेरा बर्थडे आने वाला है तो आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे, तो सर ने मुझे पूछा कि क्या चाहिए तुझे, मैंने कहा रिंग लाइट दोगे ना मुझे, रिंग लाइट अभी जैसे करो तो वैसे करो ना, दो रिंग लाइट, दो रिंग लाइट दोगे, क्या बात कर रहे हो, तो एक रिंग लाइट देना, एक पैनल वाली जो लाइट नहीं होती है सबसे महंगी वाली, चार चार होते हैं जिसके विंडोज दोगे। तो गाइस आज हो गया है फैसला, मेरे बर्थडे में अगर रिंग लाइट नहीं आई प्रशांत सर से तो आप सब प्रशांत सर को अनफॉलो कर देना, और मान लेना कि इनका कोई झूठी वजूद नहीं है, कोई जवाब की वैल्यू नहीं है। चूजम को भेज दिया हमने सॉफ्टी लेने, ये देखिए बाय बाय चूजम। सो गाइस जिनको हमने भेजा था आइसक्रीम लाने, सॉफ्टी लाने, वो आ चुकी है, ये देखिए। फोकस करता हूँ, कैमरामैन फोकस कीजिए, फोकस कर रहा हूँ, तो ये देखिए वेनिला वाली पसंद है, लेकिन ना शायद मैं कंफ्यूज हो गई, वहाँ 2 दुकानें हैं ना आसपास, मैं समझ नहीं आता मैं कौन सी दुकान में मैंने लास्ट टाइम खाई थी, मैं शायद गलत दुकान में चली गई।
क्या दिक्कत है इसमें? इसका ये बर्फ वाला अच्छा सा नहीं बना हुआ क्रीम, इतने दूर गई हूँ मैं, ये दो सॉफ्टी लेके आई हूँ, फिर एक तो वो गाड़ियां ही रुकने को तैयार नहीं थी, सब मेरे ऊपर चढ़ने के लिए तैयार हो रखे थे कि इसके सर के ऊपर चढ़ा देंगे गाड़ी। गाइस मैं देखो, मैं आज तक कभी प्रशांत सर के घर नहीं गई, ठीक है? तो मैंने इनको आज बोला कि मुझे आज अपने घर ले जाओ। यार मैं कब जाऊंगी, आप मुझे ले जाए आज अपने घर, मुझे चींटी से मिलना है। ले जाता हूं तुझे आज अपने घर। पक्का व्लॉग बनाते रहे कैसे यार प्रशांत सर, क्या दिक्कत है आपको? मुझे अपने ये पता नहीं, मैं इनको ना कब से है हमारी दोस्ती, पता है 2-1.5 साल तो हो ही गया हमारी फ्रेंडशिप को। मैं इनको हमेशा बोलती हूँ मुझे अपने घर ले जाओ, मुझे आपके पापा से मिलना है ना, मुझे चींटी से मिलना है, चींटी मुझसे वॉइस नोट में बात करती है, सवाल ही पैदा नहीं है। इन जब हम लोग पौड़ी गए थे ना, तो ये ना मुझे छोड़ के भाग गए थे, ये ना अपनी दीदी के घर चले गए, वहां पे भी ना मैंने इनको जबरदस्ती कॉल किया कि प्रशांत सर मैं भी आ रही हूँ आपकी दीदी के घर, मुझे किसी ने इन्वाइट नहीं किया था, तब मैं जबरदस्ती गई, वरना ये मुझे कहीं नहीं ले जाते ऐसे क्यों। आजकल घर का काम चल रहा है, कोई बात नहीं, तो क्या हो गया अस्त-व्यस्त है फिर। अरे तो क्या हो गया, अच्छा थोड़ी लगता है यार ऐसे। नहीं मैं भी जाऊंगी, मुझे ले जाओ, जैसे गेस्ट आए ऐसे हो जाए, मुझे ले जाओ आज। ठीक है फोन काट दो। क्यों काट दो फोन? फोन काट दो। क्यों काटो? ले जाते हैं ना फोन तो काट। नहीं गाइस आज फोन नहीं कटेगा, आज आज मैं प्रशांत सर के घर जाकर रहूंगी, मुझे चींटी से मिलना है। यस गाइस सो क्या चलो ना ले जा रहे हैं भाई, चल तो वही चलो ना, चलो गाइस नहीं ले जा रहा है आदमी यार, मैं आपके पापा से कब मिलूंगी? नेक्स्ट वीक। हैं हरी सब्जी लेनी थी यार, नहीं लेनी हरी सब्जी, मुझे कभी नहीं ले जाते यार अपने घर, कांटे थोड़ी लगे यार मुझे। माँ जी आ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, भाग गया हरी सब्जी वाला, यहाँ से भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है? तो गाइस ये आदमी मुझे नहीं लेके गया अपने घर, इनकी नजरें झुक चुकी है। सुनो मेरा एग्रीमेंट लेके जाऊं कि छोड़ के जाऊं? ले जाइए ले जाइए, चलो बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय। गाइस मैं आ चुकी हूं घर,